तू भी तोड़ा जाएगा मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा कितना गेद बर्बाद करेगा सो हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिबब और डीले का यूज़ कैसे करना है मेरे पास कुछ मैसेजेस और कमेंट आए थे रिबब और डीले के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको आज बताऊँगा कि रेव रिब और डीले किस तरह से अच्छे से यूज़ करना है और कहाँ पर कितना कितना यूज़ करना है मैं सब आज पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको तो वीडियो को पूरा देखिए एंड अब स्टार्ट करते हैं जैसे कि ये दो ट्रैक आप देख रहे होंगे ये सिंपल एक पियानो का ट्रैक है और ये वोकल रिकॉर्डेड है और ये गाना मैंने कल ही रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो कल अपलोड हुआ है मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग देख सकते हैं इसको जाके एंड ये आ, क्या बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेसिंग क्या है पियानो में कुछ नहीं है सिर्फ थोड़ा सा ई है और कंप्रेसर वग़ैरह है बाकी मैं इसको वोकल का आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोसेसिंग एंड रिवॉब और डिले आज हम लोग बात करेंगे तो प्रोसेसिंग वही नॉर्मल सी है जो मैं हर बार करता हूँ जैसे कि एक नॉर्मल सा थोड़ा सा ट्यूनर लगाया पहले उसके बाद फिर मैंने मैं यहाँ आप पे आपको जल्दी से दिखा देता हूँ ठीक है फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी बूस्ट करी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंप्रेसर लगाया है सी एल इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर एक कंप्रेसर लगाया जो कि लॉजिक का ही कंप्रेसर है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डी लगाया है उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक ही लगाया है जिसमें हाइज बढ़ाई है फिर से मैंने एक डी एस आर लगाया है तो ये है बट आज हम लोग बात करेंगे रिबब और डीले की फ़िलहाल रिबअप की बात करेंगे डीले तो मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा यूज़ किया तो इतना समझ में नहीं आएगा बट मैं रिबअ आज आपको सही से समझाऊँगा और डीले भी मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत बट रिब पहले मैं आपको बताऊँगा कि कैसा क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बस वन बस फाइव बस फोर तो ये क्या है ये रिबब है ये डिले है ये भी रिवब है तो मैं सबसे पहले रिवब दिखाता हूँ पहला रिवब ये मैंने लगाया यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अब मैं सबसे पहले आपको अच्छा दिखाता हूँ कि रिबब आपको लगाना कैसे और क्या तरीका होता है लगाने का तो सबसे पहले ये ये जगह आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये जगह देख रहे हैं सेंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको बस पर जाना है मतलब यहाँ पे इन देंस मैं यहाँ पे आपको इसी चैनल बता रहा हूँ वैसे आपको ऑडियो के चैनल पे करना है जिसको आपको लगाना है जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे सेंड नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने लगा दिया है जैसे ये ये दिख रहा है ना आपको ये भी सेंड का ही ऑप्शन है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बस पे जाएँगे उसके बाद यहाँ पर आपको बस सेवन या जो भी खाली दिख रहा है जैसे मैंने यहाँ लगा दिया देखिए ऑक्स थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब यूज़ हुआ है ये स्मॉल हॉल ये सब यूज़ हुआ हुआ है तो यहाँ पे सेवन या एट यहाँ से कितने भी आप लगा सकते हैं ठीक है दो सौ छप्पन और पता नहीं कितने सारे है तो यहाँ पे आपको बस सेवन सिंपली क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए आपको कोई रिबब लगाना है जैसे यहाँ पे रिबब में गए उसके बाद कोई भी स्पेस डिज़ाइनर या क्या बोलते सिल्वर रिबब लगाना है तो यहाँ पे यहाँ पे मोनो टू स्टीरियो करके लगा दीजिए उसके बाद फिर अब यहाँ पे आपको करना क्या है ड्राई को एकदम ज़ीरो रखना है ड्राई क्या है ड्राई जो है वो आपका ये जो ये ड्राई सिग्नल है जो आपका वोकल पहले से जो रिकॉर्डेड है वो जो उसका सिग्नल आ रहा है वो है ड्राई सिग्नल और वेट क्या है वेट है आपका रिवर्ब अब ड्राई सिग्नल ऑलरेडी आपके पास यहाँ ऑलरेडी ये ड्राई चल रहा है अब इस पर आपको सिर्फ़ रिवर्ब डालना है तो इसका मतलब क्या है वेट को आप पूरा हंड्रेड कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे कितना आपको रिवर्ब चाहिए और अगर आप ड्राई बढ़ा देंगे तो वही सेम सिग्नल वो फिर से घुमा के फिर से इधर से दे देगा तो उसमें क्या होगा कि आवाज़ क्रैक होगी और मतलब वो तरीका भी गलत है और दूसरी चीज़ की अगर आपको अगर आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं रिबम तो यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको ड्राइव ड्राइव फुल रखना है पूरा हंड्रेड पे और वेट आपको यहाँ से कंट्रोल करना है दस परसेंट बीस परसेंट कितना भी पर आपको अगर यहाँ सेंड पे आप दे रहे हैं वो कल तो ये आपका ये रिवर्ब का ये आपको कंट्रोल करना है उसके बाद यहाँ पे आपको वेट हंड्रेड रखना है ड्राई ज़ीरो रखना है ड्राई सिग्नल आपको बिल्कुल नहीं भेजना तो यहाँ पे हो गया ये रिवर्ब लग गया ठीक है थीके? तो इस यहाँ से आपको कंट्रोल करना है कितना चाहिए जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये गाना तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा मेरी तरह छोड़ा जाएगा। देख सकते हैं इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा तो रिवर्ब का लेवल जो है इससे कंट्रोल होगा तो आपको इस तरह से लगाना है बाकी मैं अभी मैंने जो रिवर्ब लगाया है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने लगाया यहाँ से इसको नो सेंड कर देता हूँ और ये सबसे पहला रिवर्ब ऑन करता हूँ तो यहाँ पे गए जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बस वन पे मैंने यहाँ पे पहले वाला प्लेट रिवर्ब लगाया ठीक है उसके बाद मैंने प्लेट लगा के यहाँ पे जैसे मैंने बताया मिक्स कुछ भी होगा डिले रिबॉब कुछ भी अगर यहाँ आप कुछ भी इधर से सेंड पे दे रहे हैं तो उसका मिक्स 100 परसेंट ही होगा मिक्स आपने 100 परसेंट कर दिया प्री डिले मैंने थर्टी पॉइंट रखा है डी के मैंने टू पॉइंट रखा है और इसके बाद यहाँ पर कुछ ई की सेटिंग है जैसे मैंने हाईज़ मुझे हाईज इसमें थोड़ी सी हाइज़ चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाइज़ रखा मतलब ठीक है हाई इसकी फ्रिक्वेंसी और मैंने यहाँ पे कुछ काटा नहीं है बट मैंने आ, क्या बोलते हैं ये लोस काटे हैं यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं माइनस सिक्स पॉइंट नाइन मतलब साठ डीबी तक मैंने लोस इस फ्रिक्वेंसी पर काटे हुए हैं और बाकी मैंने कुछ किया नहीं है और क्या बोलते हैं उसके इसको सुनते हैं एक बार कैसा आ रहा है शरीबअप के साथ तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा मेरी तरह तू ये देख सकते हैं बहुत कम Uh, क्या बोलते हैं? बहुत कम हल्का सा रिवा है बस मैं इसको बंद करके सुनाता हूँ एक बार तू भी छोड़ा जाएगा कितनों के कितना बर्बाद करेगा आग लगाएगा तू सच में कितना देख सकते हैं कि कैसा मतलब वो आपको रिवर्ब जो है ना मेन सेंटर में पता नहीं चलेगा उसके बाद बस फाइव पे मैंने एक रिवर्ब दिया हाँ उसके पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है उसके नीचे एक ई लगाया तो इस ई लगाने का मेन मोटिव यह है कि जो उसका साउंड आ रहा है जो रिवर्ब का साउंड आ रहा है उसमें मडीनेस ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर लोस काट दिए हाइज़ भी काट सकते हैं आप बट मुझे ब्राइट रिबअप चाहिए था तो मैंने यहाँ पे हाइज़ नहीं काटा जैसे मैं सुनाता हूँ आपको सिर्फ़ रिबअप सुनाता हूँ मैं आपको ये रिबअप का साउंड है अब अगर मैं यहाँ से हाइज़ काट देता हूँ इसकी तो ये हो जाएगा रिबअप बट रिब मुझे चाहिए था ब्राइट थोड़ा तो मैंने इसलिए इसके हाइज़ नहीं काटी है इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ अगला रिबअप वाला रूम है और ये रूम रिवब है वो प्लेट रिवब था दोनों अलग अलग हैं और इसमें भी वही सेम आ, इसका हंड्रेड परसेंट बट यहाँ पे थोड़ा सा शायद नहीं लगभग बराबर ही है देखते हैं कितना माइनस टू ट्वेंटी पॉइंट थ्री माइनस ट्वेंटी पॉइंट सेवन हाँ ये थोड़ा सा पॉइंट फोर बस ज़्यादा है और लगभग सेम उतना ही लेवल डाल रखा है मैंने उसके बाद यहाँ पे इसका प्री डिले कम है डी के इसका कम है उससे हाई कट इस पर मैंने दिया हुआ है थोड़ा सा ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैंने हाई कट नहीं दिया सिर्फ लोज़ दिया है और मैंने यहीं से हाई कट थोड़ा सा दिया उसमें हाई कट उसमें नहीं दिया था मैंने और उसके बाद कुछ नहीं है बस आ, थोड़ी बहुत ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वही है उसके बाद आप सुनते हैं इसको कैसा आ रहा है ओ ये सोलो बज रहा है पहले वाला रिवुक अब दोनों के साथ सुनते हैं आएगा तू भी तोड़ा जाएगा मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा तोड़ा तू भी तोड़ा जाएगा तू भी छोड़ा जाएगा, जाएगा कितनों के दिल बर्बाद करेगा आग लगाएगा तू सच में कित... तो ये है रिब जो दोनों मिलके आ रहा है अब मैं दोनों बंद करके आपको सुनाता हूँ तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा मेरे तरह तू भी छोड़ा जाएगा तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा मैं तो देख सकते हैं मतलब वो इसमें एक तो ये पहली चीज तो ये अनप्लग्ड एक पियानो पे सिर्फ एक कवर है तो इसमें वैसा वाला फील नहीं चाहिए था कि बहुत रिबब हो और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब इंस्ट्रूमेंट हो तो उससे ऐसा कुछ था नहीं एक नॉर्मल सा था इसको रॉ टाइप का रखना था तो इसलिए बहुत हल्का सा रिवअ है इसमें बहुत ज़्यादा रिवअप नहीं डाला है तो यहाँ से आपको आप लोग को ज़्यादा रिबअप चाहिए हो या कुछ भी हो तो यहाँ से आप लोग ये सब डिके और ये सब सेटिंग चेंज करके आप क्या बोलते हैं इसका रि का फ़ील पूरा चेंज कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा आप ज़्यादा दे दीजिए तो ज़्यादा आ जाएगा मैंने यहाँ कम रखा है तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं रिवा को और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डाला है आ, डिले बट डिले सुनाई नहीं देगा आपको कभी इसमें वो उसका डालने का भी मतलब अलग से मैंने किस तरह से डाला है मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पे वन पॉइंट वन बाई एट का टाइम सिग्नेचर डाला है और हंड्रेड बी इसका टेम्पो जो है उसके बाद यहाँ पर मैंने हाई पास थोड़ा सा लगाया है लो पास लगाया है और हर हर बार की तरह यहाँ पे वेट हंड्रेड परसेंट ही रखना है कुछ भी हो कुछ भी आप दे रहे हो अगर बस पे अब मैंने यहाँ पे इसको माइनस ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन मतलब इतना ही रखा है बहुत हल्का सा देख देखिए तो जितना ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है बस उतना सा ऑन है ये जाएगा यहाँ तक बट उतना नहीं रखा है मैंने तो इसको वहीं पर ले आते हैं तो ये इतना रखा है मैंने तो उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ इसके तीनों के साथ अब डीले डालने के बाद भी क्या हो रहा है तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा तू भी छोड़ा जाएगा तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा, जाएगा, छोड़ा जाएगा कितनों के देख सकते हैं जैसे कि रेवा वो डिले उतना पता नहीं चल रहा है बट मैं इसको अगर बंद कर दूं तीनों को तो फिर आपको पता चलेगा मैंने क्या प्रोसेसिंग करी है सोलो करके सुनाता हूं तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा मेरे तरह तू भी छोड़ा जाएगा तोड़ा जाएगा तू तु, भी तोड़ा जाएगा ये देख सकते होंगे इसका जो फीडबैक जा रहा है वो उससे समझ में आ रहा होगा और डिले क्या क्या चल रहा है मेरी तू भी छोड़ा जा जाएगा कितनों के दिल बर्बाद करेगा आग लगाएगा तू सच में तो ये था मैंने बताया आपको कि रिबब और डिले कैसे यूज़ करना है फ़िलहाल डिले भी आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैं डिले के लिए एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा मैंने और रिबअप के लिए भी मैं आपको बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा जिसमें गानों में मैं मैंने बहुत ज़्यादा रिबअ यूज़ किए हैं वो भी मैं उसका भी ब्रेकडाउन डाउन करूँगा मैं वो भी गाने दिखाऊँगा आपको कि कैसे मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिबअ यूज़ करके गाने गाने बनाए हैं तो ये तो अभी था कि मतलब बहुत कम रिबअब और आपको अनप्लग्ड बनाना है एक रॉ टाइप का एक इंस्टाग्राम रील टाइप का अगर वीडियो बनाना है और थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं रॉ रखना है वीडियो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये रिबअ यूज़ किया है कि आप ये सुनाई भी देगा और रॉ भी लगेगा और बहुत ज़्यादा रिबअब भी नहीं पता चलेगा तो उसके लिए ये रिबअप था ये दोनों रिबअप मैंने इसलिए डाले हैं बल्कि और कुछ लोग सोचोगे दो दो रिबअप क्यों डालें तो उसके लिए ये मैं बता दूं कि जैसे ये एक रिवर्ब है ये इसका फ़ील अलग है और ये रिवर्ब है इसका फील अलग है और दोनों को मिला के मैंने डाला है बल्कि दोनों को बहुत हल्का हल्का डाला है तो वो कहीं ना कहीं मतलब जाके एक अच्छा फील आउटपुट में आ रहा है तो हमेशा एक दो तीन चीज़ें आप ट्राई करके देखिए रिवर्ब में या डिले में भी कुछ भी हो जाए अफेक्ट्स हो तो वही है कि मतलब जो भी आपका फील के अकॉर्डिंग जा रहा हो आप उसको रखिए तो यहाँ पे मैंने दो दो रिवब इसी लिए यूज़ किए कि मुझे दोनों मिला के सही लग रहा था फिर भी मैंने मतलब इतना कम रिवब वाला गाने में भी मैंने दो रिवअब इसीलिए यूज़ किए क्योंकि बहुत हल्का हल्का यूज़ किया है फिलहाल और बहुत कम उसका डिले टाइम है तो इसलिए बाकी आपको सुन के पता ही चल गया और जैसे यहाँ पर मैंने दो दो डी यूज़ किए हैं तो इतनी हाईज़ बढ़ाने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि क्या डी यूज़ होगा और डी के लिए भी मैंने वीडियो एक शॉर्ट भी डाला था बाकी एक वीडियो इसके पहले मैंने जो डाला है उसमें भी डी के बारे में बताया बतायागा जिसने नहीं देखा है तो जाके देख ले ऊपर और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैंने अपने सारे इक्विपमेंट में जो यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैंने नीचे अमेज़न का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो जिसको भी चाहिए वहाँ से जाके खरीद सकता है और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय